हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 8.1 के बारे में, जो कि पैरोट करके जो डेवलपर है उसकी तरफ से देखने को मिलता है। जो पैरोट करके डेवलपर है उसको तो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने गूगल कैमरा को लेकर, स्पेशली टीआर कैमरा। अगर आपको मालूम है मेरे चैनल के ऊपर, आपको टीआर कैमरा के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो कि एक गूगल कैमरा का एक मॉडिफाई वर्सन है। उसको मैंने रिबू किया था, उसको मैंने यूज़ किया था मेरे MI2 डिवाइस के अंदर। अभी उसी डेवलपर की तरफ से दोस्तों ये गूगल कैमरा है, इसका नया अपडेट देखने को मिला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बोल दूँ, मेरे MI2 डिवाइस के अंदर इस गूगल कैमरा को ऑलरेडी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है एंड एक काम कर रहा है। तो सिंपली यहां पर पहले आपको मैं यहां पर ऐप इन्फो जो है वहां पर जाके ले चलता हूं। सो यहां पर ऐप इन्फो में चलते हैं एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो जीकेम 8.1.1001। सो ये गूगल कैमरा का वर्सन है एंड बाकी अदर स्टेप भी आप देख लीजिए। यहाँ पर परमिशन वर्मिशन देख सकते हो। सो यहाँ पर हम पैकेज देख लेते हैं दोस्तों, पैकेज नेम क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप और एक गूगल कैमरा को इंस्टॉल करते हो। तो जो पैकेज नेम है उसको com.google.android.google.camera.na.google.camera.eng, सो ENG है। सो इस गूगल कैमरा को अभी फिलहाल हमने अपने MI2 डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लिया है एंड देखते हैं किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले गूगल कैमरा को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से है जीकेम 8.1 की तरह। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस किया गया है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों मोशन फोटोज। यस, मोशन फोटोज क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई पिक्चर को क्लिक करते हो दोस्तों, ऑटोमेटिकली गूगल कैमरा पिक्चर को क्लिक करने से पहले कुछ सेकंड पहले का और कुछ सेकंड बाद का एक वीडियो का रिकॉर्ड करते हैं, इसे कहते हैं मोशन फोटोज। सो मोशन फोटोज हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको फेस रिटचिंग, HDR मोड है, ऑटो वाइड बैलेंस भी देखने को मिल गया है। इवन आपको यहाँ पर टाइमर मोड भी देखने को मिलता है 3 सेकंड, 10 सेकंड का भी, एंड यहाँ पर आपको जूम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इवन आप 16:9 भी कर पाओगे पोर्ट्रेट मोड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। कैमरा की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर हमें कैमरा के अंदर HDR, NS मोड, ऑन मोड, ऑटो वाइड बैलेंस के अंदर ऑन ऑटो का ऑप्शन, इवन टाइमर के अंदर 3 सेकंड, 10 सेकंड भी देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ, फाइनली 4K का ऑप्शन हमें देखने को मिल गया है दोस्तों। यहाँ पर उससे पहले हमें यहाँ पर 4K के साथ साथ फुल HD के अंदर ऑटो FPS, 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन है। इवन 4K के अंदर भी 60 FPS का ऑप्शन है, बट आपके डिवाइस के ऊपर सपोर्ट होना चाहिए 4K 60 FPS का, तभी काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अभी फिलहाल फुल HD 60 FPS यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें जूम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, 1x 2x तक जूम भी कर पाओगे, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों जो नॉर्मल मोड देखने को मिलता है, यह हमारा टाइम लैप्स मोड है। यहाँ पर आप 5x, 10x, 120x तक कर सकते हो, एज वेल स्लो मोशन भी देखने को मिल जाती है। स्लो मोशन के अंदर 1x और 1x का ऑप्शन है, बट दोनों ही दोस्तों शायद काम नहीं करते, ऐसे देख पा रहे हो। यहाँ पर क्रैश कट गया है हमारा गूगल कैमरा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें और एक फीचर देखने को मिलता है, जो कि हमें सीरीज में जाके देखने को मिलता है, ऑडियो जूम का फीचर। सो ऑडियो जूम का भी फीचर्स इस बिल्ड के अंदर डाल दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आप ऑडियो जूम को भी यूज़ करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर हमें डिवाइस स्टोरेज करके भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको फाइल स्टोरेज मैनेजमेंट है। एक्चुअली यहाँ पर कितना फोटोज को शूट कर पाओगे, कितना मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो स्टोरेज सेवर है उसे आप यूज़ कर सकते हो, फोटोज को डिलीट कर सकते हो, क्लीन अप कर सकते हो। सो जो डिवाइस स्टोरेज है ये भी इस बिल्ड के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करने वाले एक अच्छी फीचर के बारे में, वो है ऑटो नाइट मोड। सो जब भी मैं फोन को यहाँ पर कोई भी डार्क कंडीशन में ले जाता हूँ, तो इस तरह से मुझे एक ऑटो ऑप्शन देखने को मिलता है। ये देखो, ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है सिर्फ रात के टाइम में स्टार्ट होता है, मतलब जब भी कैमरा डार्क कंडीशन के अंदर जाएगा तो आपके यहाँ पर ऑटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑटोमेटिकली ये जो कैमरा है, कैमरा के अंदर ही जो मून का फोटो आ गया, इसका मतलब है जो ऑटो नाइट मोड है स्टार्ट हो गया एंड ऑटो नाइट मोड यहाँ पर डाल दिया गया है कैमरा के अंदर ही। एज वेल यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी दोस्तों जो ऑटो नाइट मोड है उसे सपोर्ट करता है। देखो पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी दोस्तों ऑटो नाइट मोड के साथ पिक्चर को क्लिक कर पाओगे, जो काफी बढ़िया बात है। एज वेल हमारा जो नाइट स्लाइड मोड है वो तो उसके अंदर तो डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी देखने को मिली जाती है। यहाँ पर डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन भी देखने को मिलता है। गूगल का ऑटो हाइड बैलेंस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ ऑटो हाइड बैलेंस देखने को मिलता है। जो गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस है वो यहाँ पर से शायद हटा दिया गया है एंड फोकस के लिए यहाँ पर ऑटो, नियर, फार एंड इन्फिनिटी का भी ऑप्शन दिया गया है। सो चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर दोस्तों। यहाँ पर हमें एक वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड ऑप्शन है, लॉकेट ऑप्शन देखने को मिल जाती है, उसके बाद एक्टिव ऑप्शन हमें देखने को मिलता है एंड सिनेमेटिक पैन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है, मुझे पर्सनली ये पसंद आया है।
उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर। सो यहाँ पर अगर आपको कैमरा साउंड पसंद नहीं है तो यहाँ से आपका जो कैमरा का साउंड है वो सब बंद कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड बाई डिफॉल्ट अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ, बाई डिफॉल्ट आपको फुल एच डी ऑटो और 4K ऑटो में आप ऑटो FPS के अंदर आप वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, बट अगर आप चाहो तो यहाँ से 20 FPS 30 FPS के अंदर स्विच भी कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड बाई डिफॉल्ट दोस्तों जो जियो डेटा है दोस्तों फोटोज के अंदर डिजेबल रहती है, मतलब कहाँ से अपने पिक्चर को क्लिक किया है वो दोस्तों यहाँ पर डिजेबल रहती है, बट आप चाहो तो यहाँ पर सेफ लोकेशन में जाके इसे एनेबल कर सकते हो जियो डेटा को। उसके बाद दोस्तों कुछ कुछ डिवाइसेस के अंदर जो जूम है दोस्तों, जूम करने के दौरान अगर आप एक्टिव स्टेबलेशन को यूज करते थे तो क्रैश कर जा रहा था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अगर आप एक्टिव स्टेबलेशन की यूज करते हो एंड उसके बाद जूम करते हो तो आपका जो डिवाइस के अंदर क्रैश हो रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर आपको दोस्तों जो ऑटो नाइट मोड है उससे अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाके ऑटो नाइट मोड का भी ऑप्शन, बंद करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, देख पा रहे हो डिजेबल ऑटो नाइट स्लाइट। तो इसे बंद करने से दोस्तों देखिए कैमरा के अंदर अभी जो ऑटो नाइट मोड का ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आएगा। सो ऑटो नाइट मोड का बंद करने का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो के अंदर एक्टिव मोड में रहते हुए आप यहाँ से स्विच कर सकते हो 4K के अंदर। यस, एक्टिव मोड के अंदर 4K का ऑप्शन है, बट एक्टिव मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको फुल HD और सॉरी FPS चूज करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि 24 FPS 30 FPS इस तरह के ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो एस्ट्रो फोटोग्राफी है उसके अंदर जो नाइट मोड का शटर है उसे आप फोकस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देख पाओगे फोकस ट्रैकिंग हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रो मोड भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर जो एस्ट्रो का टाइमर है वो लगा पाओगे। एंड जो ग्राफिकल फ्लॉ था गूगल कैमरा के जो स्टॉक कैमरा है उसके अंदर उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर हमें फोकस ट्रैकिंग जो है वो डिजेबल करने का भी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि बहुत से डिवाइस के ऊपर फोकस ट्रैकिंग के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, तो फोकस ट्रैकिंग को अब यहाँ से डिजेबल कर सकते हो। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का टाइम भी दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें HDR मोड भी देखने को मिलता है, HDR इनहांस मोड, HDR ऑन मोड, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो मेन कैमरा है आसूस मैक्स प्रो M1 के अंदर क्रैश कर जा रहा था उसे फिक्स कर दिया गया है। जो रेबिनोट 7 है, अपना रेबिनोट 7 के अंदर बैक ब्लैक फोटो आ रहा था एस्ट्रो फोटोग्राफी के अंदर, उसे भी फिक्स कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ओवरऑल आपको इसे ट्राई करके देखना चाहिए। सो आपके यहाँ पर जो ऑटो व्हाइट बैलेंस है उसे भी ऐड करके दिया गया है, यहाँ पर आप ऑटो व्हाइट बैलेंस को ऑटो ऑन ऑफ कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड एडवांस ऑप्शन के अंदर भी उस तक ऑटो व्हाइट बैलेंस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप सोनी का कैमरा ओमनी विजन पिक्सल का जो मॉडल है उसे आप चूज कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है उसके लिए भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एज वेल जो फोकस पैरामीटर है नाइट शूटिंग के लिए उसे भी चेंज किया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि डेवलपर की तरफ से किया गया है। एज वेल अभी दोस्तों जो शेयर ऑप्शन है सोशल शेयर, जैसे कि यहाँ पर मैं पिक्चर को क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, मैं डायरेक्टली गूगल कैमरा से ही अपने फेसबुक ट्विटर के अंदर फोटोज को शेयर कर सकता हूँ। सो अभी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि सोशल शेयर की जो ऑप्शन है उसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप दोस्तों बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर जो अपना फोटो से डायरेक्टली गूगल कैमरा से शेयर कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो रेडमी 7 है दोस्तों उसके अंदर जो HDR प्लस मॉडल है उसके अंदर आपको पिक्सल टू एक्सेल देखने को मिल जाएगा। एंड रेडमी 7 के अंदर जो पैरोनोमा मोड है, जो कि आपको मोड के अंदर पैरोनोमा जो फोटोस्पेयर मोड है उसे अभी हाइड करके दिया गया है, क्योंकि रेडमी 7 के अंदर जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। एंड ऑटो वाइट बैलेंस का जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी बोल दिया आपको मैं सीरीज के अंदर, ऑटो वाइट बैलेंस के लिए अलग से ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था। उसके बाद जो टच फोकस टाइम है उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, जो टच फोकस टाइम है उसे भी आप यहाँ पर एबिलिटी है आपको यहाँ पर भी ऐड करके दिया गया है। जो फोकस ट्रैकिंग है दोस्तों उसे डिजेबल करने का भी ऑप्शन दिया गया है, उसे इनेबल करने का भी ऑप्शन तो ऑलरेडी है। एंड यहाँ पर आप जो मैक्सिमम एक्सपोज है एस्ट्रो फोटोग्राफी के अंदर, सो यहाँ पर जो एस्ट्रो फोटोग्राफी टाइम है दोस्तों उसके अंदर आप जो मैक्सिमम एक्सपोजर का टाइम है उसे सिलेक्ट कर सकते हो 30 सेकेंड तक, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाती है। 4K 60 FPS का जो ऑप्शन है दोस्तों अभी MI 9 के अंदर और MI 90 Pro के अंदर ऐड करके दिया गया है। जो रेडमी नोट 9 Pro की सभी मॉडल है उसके अंदर जो बग्स है उसे ऑलमोस्ट फिक्स करके दिया गया है। जो ग्रीन टिन का प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों फ्रंट कैमरे के अंदर कुछ कुछ डिवाइस के अंदर उसे भी फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जब भी आप दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हो दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के दौरान आपको एक वाइब्रेट
फील होता है दोस्तों, उसे भी और भी अच्छा किया गया है और बेहतर किया गया है। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो यूआई है दोस्तों, वो 6 इंच और 6.2 इंच डिवाइस के लिए बहुत ही बुरा दिखता था, बट अभी इसे और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है और भी देखने में बढ़िया दिखता है। जो कुछ कुछ शामी के डिवाइस है उसके अंदर जो गूगल कैमरा होता है दोस्तों, स्लो डाउन हो जा रहा था, उसको प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल दोस्तों, यहाँ पर अभी जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जूम होता है उसे भी आप डिजेबल कर पाओगे। आपको सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो डिजेबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो जूम होता है उसे भी बंद कर पाओगे। एज वेल दोस्तों, जो 60 मेगापिक्सल सपोर्ट है, मतलब जितने भी डिवाइस जैसे कि रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, पोको X3, रेडमी का K30 Pro, इस तरह के जो डिवाइस है, एंड जो रियलमी का डिवाइस है जो कि 16 मेगापिक्सल के साथ पिक्चर को क्लिक कर पाती है, वो सभी के अंदर 16 मेगापिक्सल का सपोर्ट आ गया है। तो जितने भी 64 मेगापिक्सल वाली कैमरा है उसके अंदर आपको गूगल कैमरा से अगर आप पिक्चर को क्लिक करते हो दोस्तों, आप अभी 16 मेगापिक्सल से गूगल कैमरा पिक्चर को क्लिक करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ओवरऑल बहुत सारी दोस्तों फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ को इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर पैरोट करके जो डेवलपर है उसकी तरफ से ऐड किया गया है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस गूगल कैमरा को ट्राई करने में। मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ दोस्तों आपको इस गूगल कैमरा को शेयर करने में। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर से गूगल कैमरा को डाउनलोड कीजिए एंड आपके डिवाइस को इंस्टॉल कीजिए। मेक श्योर करना दोस्तों आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपे एनेबल हो। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपे एनेबल नहीं होगा तो ये गूगल कैमरा जो है आपके डिवाइस के ऊपर काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पिक्चर सैंपल शेयर करूंगा। ये जो वीडियो है काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो यहाँ पर पिक्चर सैंपल मैं नहीं शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।